स्वागत है आप सबका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। और आज का जो वीडियो है काफ़ी है कि मैं गांव का नेचर दिखाने की कोशिश करूँ। दोस्तों जैसा कि हमने कहा था कि अपने गांव का थोड़ा व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, और उसी व्यू में मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये देखो, यहीं पर धान अभी कच्चा है और जो अभी पका नहीं है, और यहाँ पर देखो कट चुका धान, ये कट गया है अभी, ये पका नहीं है। तो और दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं और यहीं अपने गाँव में रहकर ब्लॉग बना रहे हैं, और गांव का ब्लॉग है, काफ़ी अच्छा है। तो अभी नेचर दिखाएंगे आप सबको और अपने गांव का दिखाएंगे, अभी दिखाते हैं आप सबको वीडियो में कैसा रहेगा, बताइए। दोस्तों आप लोग वीडियो को जैसे देख सकते हैं, वहीं पर गन्ने की खेती की गई है, वहीं पर गन्ना उगा है, लगाया गया है, तब गन्ने की खेती की गई है वहाँ पर। और ये सब घास है और यही घास काट रहे हैं, और ये भैंस वैंस चर रही है, गाय चल रही है, और वहाँ पर खेत को जोता जा रहा है। जो तो देख रहे हो ये जो धान कट चुका है, अभी ये जोता रहा है, और वहाँ पर अभी जो दिखाए थे अभी वो कच्चा है, नहीं कटा हुआ है, और जो कट चुका है धान अभी वो जुताई हो रही है खेत की, ताकि खेत में फिर से फसल बोया जाए, जो गेहूँ बोया जाता है वही बोया जाए। तो आप सबको दिखाते हैं कैसे जुताई। तो दोस्तों अभी भैंस वैंस चर कर जा रही हैं घर, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, तो इसीलिए अब घर जा रहे हैं, भैंस वैंस चर चुकी है। और दोपहर से छोड़ी हुई थी ना 12 बजे से, तो अभी 4 बज रहा है, तो 4 बजे समय पर जा रही हैं घर, अब जा रही हैं अब नहीं सब कल। दोस्तों ये मेरे घर के सामने ही है, तालाब है और काफ़ी अच्छा है, इसमें मछली जी आए हैं, और ये पानी है देखो कितना अच्छा बना है, ये अभी बना है, इसी साल का है, और इसमें भी भैंस नहा रही हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं फिर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।